नमस्कार, मायसेल्फ मयूरिका जेबी, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम पढ़ेंगे फाइनल ईयर का सब्जेक्ट लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन, सब्जेक्ट कोड EL EF 307 का चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक 2.9 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशंस। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े थे ऑपरेशन एम्पलीफायर के, और मैंने ये भी बताया था कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशन एम्पलीफायर में अपन ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसका गेन बहुत ज़्यादा होता है। एप्लीकेशंस में ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं? जिसमें अपन आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार से अपन कनेक्ट कर सकते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे जो अपन यूज़ करेंगे वो कभी पॉजिटिव फीडबैक करेंगे, कभी नेगेटिव फीडबैक यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे जो जो अपन यूज़ करेंगे, टाइप जो यूज़ करेंगे, वो मैं तुमको उसमें बता दूँगी कि किस टाइप का फीडबैक अपन यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ ऑपएम इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, सबसे पहले अपन करेंगे अगेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्लोज लूप में क्या होगा? ओपन लूप में अपन कर चुके हैं लेकिन अपन उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर अपन को ऑपरेशन एम्पलीफायर में यूज़ करना है तो अपन उसको क्लोज लूप में कैसे करेंगे? ये सर्किट दिख रहा है तुमको। ठीक है, यहाँ पे ये अपन क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? R1 रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, RF यूज़ कर रहे हैं। RF रेजिस्टेंस के थ्रू अपन आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन नेगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ROM रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि R1 और RF का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इनपुट सिग्नल अपन कहाँ पे दे रहे हैं? चूँकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इन्वर्टिंग इनपुट पे अपन अपना इनपुट सिग्नल देंगे, जिसको भी अपन को इन्वर्ट करना है एट द आउटपुट। तो उसका कितना गेन होगा वो भी अपन कैलकुलेट करेंगे। ये गेन कितना होगा कैलकुलेट करने के लिए तुमको ऑपरेशन एम्पलीफायर के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, जो कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे, लर्न होने चाहिए। आउटपुट अपन यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ले रहे हैं। ये V0 आउटपुट है, ये भी इनपुट है, और ये ऑपरेशन एम्पलीफायर की डुअल पावर सप्लाई है, प्लस VCC जो कि पिन नंबर 7 से कनेक्ट है, माइनस VE जो कि पिन नंबर 4 से कनेक्ट है। पिन नंबर 2 जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। पिन नंबर 3 क्या है अपना? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ठीक है, तो क्या है ये? दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज संट फीडबैक ऑफ क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है और नेगेटिव फीडबैक है, और क्या है ये? वोल्टेज संट फीडबैक है इसमें। ठीक है, एंड इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर थ्रू R1, एंड इट्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड थ्रू रेजिस्टेंस ROM, विच इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड RF। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आउटपुट इज ऑल्सो अप्लाइड बैक टू इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल वाया फीडबैक रजिस्टर RF। ठीक है, RF रेजिस्टेंस के थ्रू अपन ने यहाँ पे फीडबैक दिया है। कंसिडरिंग द ऑपरेशन एम्पलीफायर टू बी आइडियल, अपन इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन पहले मानेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर आइडियल है, सो दैट इट विल हैव द इनफाइनाइट गेन। अगर आइडियल कंसिडर कर रहे हैं दैट मीन्स इनफाइनाइट ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, सिंस डिफरेंस क्या है? VID इक्वल्स टू V0 अपॉन VA, ये अपन पढ़ चुके हैं। चूँकि A क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये A इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो VID यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स मस्ट बी जीरो। तो इस क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि दोनों के बीच में जो इनपुट, दो इनपुट है अपने, इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। टू ऑब्टेन दिस कंडीशन ऑफ VID इज
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, प्रैक्टिकली नेगेटिव फीडबैक इज प्रोवाइडेड एज इन द फिगर। इसलिए इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए अपन इस पूरे पर्टिकुलर फिगर में क्या यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि वी आई डी क्या होता है, वी वन माइनस वी टू, और अपन को इसको किसके इक्वल करना है, ज़ीरो के। तो वी वन माइनस वी टू इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये लगभग ज़ीरो के बराबर होगा तो वी वन और वी टू दोनों वोल्टेज भी इक्वल होंगे। ये वी वन और वी टू जो है वोल्टेज इससे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दस विद ज़ीरो डिफरेंस इनपुट वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल वी टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वी वन। ड्यू टू जीरो वी आई डी नो करंट एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल, दैट इज इनपुट बायस करंट आई बी ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज ज़ीरो। अप्लाइंग के सी एल किरचॉफ करंट लॉ एट नोड वी टू, अगर वी टू पे अपन किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, क्या वी टू कौन सा नोड वी टू, ये वाला नोड वी टू, यहाँ पे अपन के सी एल लगाएंगे। क्या होता है के सी एल, किरचॉफ करंट लॉ तुम सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हो कि जो इनपुट करंट्स हैं उनका सम, एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है, आउटपुट करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल। पर यहाँ पे इनपुट क्या है, आई इन इक्वल्स टू आई बी प्लस आई एफ। ठीक है, ये के बी एल के सी एल लगाया यहाँ पे, तो आई इन इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई बी। चूँकि आई बी ज़ीरो है क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि इनपुट वी आई डी जो है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया। देयरफोर करंट फ्लोइंग थ्रू आर वन ऑल्सो फ्लोस थ्रू फीडबैक नेटवर्क, दैट इज़ जो इनपुट करंट है वो आई एफ के बराबर हो गई इस इक्वेशन में, अगर अपन आई बी इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो। ठीक है, और आई एन की वैल्यू अपन इस सर्किट से निकाल देंगे। यहाँ से आई एन की वैल्यू क्या है, वी इन, ठीक है, ये क्या है, वी इन माइनस वी टू अपॉन आर वन। ठीक है, और आई एफ की वैल्यू क्या है, आउटपुट सर्किट से निकालेंगे, ये आई एफ है यहाँ पे, आउटपुट सर्किट से ये वैल्यू निकालेंगे अपन नोड एनालिसिस लगा के, तो वो क्या आएगी, वी टू माइनस वी ज़ीरो अपॉन आर एफ। ठीक है, देयरफोर इन दोनों को, अब इन दोनों को इक्वल करना है, ये इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इन इक्वेशन से, चूँकि सिंस अपन जानते हैं वी ज़ीरो क्या होता है, ए टाइम्स वी वन माइनस वी टू, और V1 क्या है, ज़ीरो है चूँकि ग्राउंडेड है ये, तो यहाँ पे अगर ज़ीरो रखेंगे तो V0 क्या हो गया, माइनस ए वी टू, तो V2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस V0 अपॉन ए। एज द इंटरनल गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज़ वेरी लार्ज क्लोज टू इनफाइनाइट, तो अपन इसको यहाँ इंटरनल गेन पे यहाँ पे इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो V2 इससे, इस इक्वेशन से V2 क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये V2 की वैल्यू अपन इस इक्वे यहाँ ये इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, वी इन माइनस वी टू, तो जो था वो जीरो रख दिया, अपॉन आर वन इक्वल्स टू अगेन ज़ीरो माइनस वी ज़ीरो अपॉन आर एफ। तो क्या इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी, हैंस क्लोज लूप वोल्टेज गेन, तो यहाँ से अपन क्लोज लूप वोल्टेज गेन आउटपुट अपॉन इनपुट ए एफ आउटपुट वी ज़ीरो अपॉन वी इन, वोल्टेज गेन क्या आ गया अपने पास, माइनस ऑफ आर एफ अपॉन आर वन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन शोज दैट आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इनपुट वेरीफाइंग द नेम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो माइनस साइन बताता है कि जैसा कि नाम से ही पता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो आउटपुट सिग्नल है अपना वो इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक इफ से आर आई एफ, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, आर आई एफ इक्वल्स टू वी इन अपॉन आई इन, आई इन की वैल्यू यहाँ से हो गई वी इन अपॉन आर वन, तो आर आई एफ क्या आ गया, वी इन अपॉन, यहाँ पे ये आर वन की वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ से, तो ये वाली। ठीक है, तो जो इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर वन के। दस द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रजिस्टर आर वन, आर वन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर, दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये जो है ये प्रैक्टिकल सर्किट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, यूजिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, तुमको प्रैक्टिकल भी करना होता है क्लास में, तो जब प्रैक्टिकल करोगे तो तुम ये वाला सर्किट यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिकल में, जिसमें अपन ने ये भी इन यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, और आर वन वन के लिया है, आर ओम भी वन के लिया है,
जो फीडबैक रेजिस्टेंस वो 100 के लिया है अपन ने, आर एल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किलो कुछ भी ले सकते हो, और आउटपुट पिन नंबर 6 और ग्राउंड के बीच में अपन ने लिया है। तो ये इसका प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ठीक है। नाउ दूसरी एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर यूजिंग क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नाम से ही पता चल रहा है, नॉन इन्वर्टिंग मीन्स इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, इन फेज होंगे दोनों, बस गेन होगा कुछ ना कुछ। रूप गेन कितना होगा वो अपन इस क्लोज लूप कॉन्फिग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, जैसे अपन ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में किया था। तो ये वाला इसका सर्किट डायग्राम है। अगेन यहाँ पे चूँकि नॉन इन्वर्टिंग है तो अपन जो सिग्नल जिसको भी अपन को एम्पलीफाई करना है वो अपन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसको ग्राउंड करेंगे रेजिस्टेंस R1 के थ्रू, और RF के थ्रू अगेन आउटपुट का कुछ पार्ट अपन ने इनपुट में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगेन ये जो है वो आर ओम रेजिस्टेंस क्या है, R1 और RF का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू अपन ने यहाँ पे आउटपुट ले लिया। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक ऑफ क्लोज लूप ऑफ एम कॉन्फिग्रेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव फीडबैक का क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर का वोल्टेज सीरीज फीडबैक है, ठीक है। एन इनपुट सिग्नल इज डायरेक्टली अप्लाई टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड थ्रू R1, द आउटपुट इज अप्लाइड बैक टू इनपुट, इनपुट टर्मिनल थ्रू फीडबैक रजिस्टर्स RF एंड R1। सिमिलरली टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगेन अपन VID जो है उसको जीरो मानेंगे, एंड हैंस V1 इक्वल्स टू V2, इसलिए V1 को बराबर भी होगा, प्रोवाइड द गेन A इज वेरी लार्ज। तो V1 इक्वल्स टू V2 यहाँ पे भी अपन आइडियल कंडीशन को मान के कैलकुलेशन करेंगे। सिंस वोल्टेज फ्रॉम इन्वर्टिंग टर्मिनल टू ग्राउंड इज ऑल्सो इक्वल टू द ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड इज VF, देयरफॉर V2 इक्वल्स टू VF। यहाँ पे V2 जो है वो किसके बराबर होगा, VF के बराबर होगा, सामने ही नोट पे दिख ही रहा है इसको अपनी अपन को, ठीक है। अप्लाइंग वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम इन द फीडबैक नेटवर्क फॉर VF, अपन फीडबैक नेटवर्क में, यहाँ फीडबैक नेटवर्क में VF के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी VF की, इक्वल्स टू R1 VO अपॉन R1 प्लस RF। दस V2, यहाँ पे V2 और VF दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे VF की जो वैल्यू आएगी वो V2 के बराबर है, और V2 किसके बराबर है, V इनपुट के बराबर है, क्योंकि दोनों यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई V2 इक्वल्स टू Vin, ये एज इट इज़, ठीक है। हैंस क्लोज लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज AF इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, VO अपॉन Vin इज इक्वल्स टू R1 प्लस RF अपॉन R1 इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, गेन आ गया, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है, ठीक है। हैंस द क्लोज लूप गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेशियो RF अपॉन R1। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, इफ से अपन मान लेते हैं RIF है फीडबैक के साथ इनपुट इम्पीडेंस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, Vin अपॉन IN, IN क्या है, VID अपॉन RI, VID ज़ीरो है, IN भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू ये रखेंगे तो RIF क्या आ गया, इनफाइनाइट। दिस शोज दैट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज क्लोज टू इनफाइनाइट, दिस इज बिकॉज द इनपुट करंट टू द आइडियल एम्पलीफायर इज ज़ीरो, दिस इज ऑल अबाउट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।